तो देखिए लगातार ये बड़ी कवरेज हमारी जारी है जिसमें पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और एक तरफ जहां लखीमपुर खीरी में किसानों और सरकार के बीच में जो सहमति है वो बन गई है, तो वहीं दूसरी तरफ आज दिन भर जो सियासी पारा है वो किस तरीके से चढ़ा रहा उत्तर प्रदेश का, ये हमने आपको दिखाया। सीधा हम रुक कर लेंगे, शक्ति मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शक्ति, आपके पीछे मैं कुछ किसानों को भी देख पा रही हूँ, क्या लग रहा है, अब क्या कह रहे हैं किसान, जो लखीमपुर खीरी में बात बनी है, सहमति बनी है, उसके बाद अब किसानों का रुख क्या है? देखिए बिल्कुल हम किसानों के ही साथ हैं। लखीमपुर खीरी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद किसानों का क्या सोचना, क्या मानना किसानों का। गाजीपुर से किसान आज गाजियाबाद जो जिला मुख्यालय है वहां पहुंचे थे, इन्होंने डीएम को ज्ञापन दिया, वहीं किसान हमारे साथ हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से अब वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ये बताया गया है कि 45 लाख रुपये और जो कुछ मांगे थी जो मान ली गई है सब, अब उसके बाद क्या सोचता है किसान, क्या चाहता है गाजीपुर पर बैठा हुआ किसान? देखिए ये जो कल दुखद घटना हुई थी उसमें जीत कह लीजिए या किसान अपनी मांगों को मनवाने में सफल रहा, बाकी तो हमारा जैसे 10 महीने से और 11वें महीने में प्रस्थान कर चुका है आंदोलन, वैसे ही चलता रहेगा और अब आंदोलन तेज होगा और इस पापी सरकार के खिलाफ जो भी इसने अत्याचार किसानों पे किया है उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। लेकिन शांतिपूर्ण गांधी जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो रास्ता दिखाया उस पे ही चल करके इनको धूल चटाएंगे और आने वाला। आप बताइए अब अगली रणनीति क्या है, आप लोग किस तरीके से अब आगे रहने वाला है, क्या ऊपर से क्या आपको कोई कहते कुछ ऐसा वो मिला हो, कोई ऐसा आदेश मिला हो कि अब आगे क्या करना है, क्या रणनीति में? राकेश टिकैत आपके साथ रहते हैं, आपके गाजीपुर बॉर्डर पर रहते हैं, वहाँ से कोई फोन आया हो कि अब किस तरीके से रहना है? आज अभी तक का जो था वो था ऊपर से टिकैत साहब का आह्वान था कि भाई ये जो है डीएम कार्यालय घेरने हैं, उसका हमने पूरा पालन करा है, पूरे दल बल के साथ पूरे किसानों के साथ हमने जो डीएम कार्यालय गाजियाबाद घेरा था और वहाँ पे जब हमारी मांगे वहाँ मान ली गई, जो मृतक को 45 लाख रुपया मुआवजेगा, घायलों को 10 लाख रुपये और मृतक के परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी की, जब हमारी बातें वहाँ ADG लॉ एंड ऑर्डर के साथ में उन्होंने कबूल करा कि इसे सरकार देगी, तब हमने यहाँ पे अपना ज्ञापन देकर राष्ट्रपति के नाम तब हमने अपना धरना यहाँ समाप्त करा, नहीं तो हमने कार्यालय की घेराबंदी पूरी कर दी थी। पूरे किसान दल बल से यहाँ पहुँच गए थे, अब आगे जैसा भी आगे से ऊपर से हमारा आदेश होगा ऐसे ही हम चलते रहेंगे, नहीं तो हमारा धरना शांतिपूर्वक पूरा चलता रहेगा। एक बात और क्या आपसे पूछना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि एक तरफ तो आप अपना यहाँ धरना दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सपा के कार्यकर्ता देखिए, हमने सपा के कार्यकर्ता आप लोगों के साथ मिल गए और नारेबाजी करने लगे, तो आप किस रूप से देखते हैं जो सियासी दल हैं वो आप लोगों के साथ आ रहे हैं, उन सियासी दलों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो ये तो पहले से किसी भी सरकार ने किसान का साथ नहीं दिया, ठीक है वो आए थे, उन्हें भी दुख है, उनमें भी किसान है, भाई जो भी समाजवादी पार्टी है या कोई भी है वो भी सब उसमें भी किसान के बच्चे हैं, किसान हैं, हमें समर्थन देना है तो उन्हें भी दुख होगा, वे भी समर्थन देने हमें आए, हमने भी उनका समर्थन दिया, धन्यवाद करा। किसानों अब उनसे कहा आप अपना लग, अपना धरना चला रहा है, हालांकि जो सहमति बनी है उसके बाद जरूर थोड़ी सी शांति जो है वो नजर आ रही है, बन रही है। आप सभी हमारे साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के उस पार भी लगातार तमाम अपडेट्स इस बड़ी खबर से जुड़ी